आज हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की ओर जाएंगे, तो मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम भानु प्रताप जी आपके पास से ही कि साइबर क्राइम के बहुत सारे मैटर्स पे डिस्कशन हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं लास्ट 11 एपिसोड पे। काफी लर्न पीपल्स आए, काफी एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे आए अपने शेयर किए बातों को। आप एकेडमिक में भी हैं, साइकोलॉजी को भी, साइकोलॉजी से हैं आप भी अगर गलत नहीं जा रहा हूँ। पिछली बार मैडम से गलती हो गई थी बोलने के, फिर क्षमा चाहूंगा मैडम। जी फोरेंसिक से है और हमने इनको साइकोलॉजी पे ले गए थे। है तो आपके एक्सपीरियंसेस और इस पे बात करें कि क्या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट आने चाहिए एज ए यूथ, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं आज ही देख रहा हूं सबसे ज्यादा जो इसके सफर हो रहे हैं कहीं ना कहीं यूथ हो रहे हैं। तो यूथ गैजेट को यूज करें क्योंकि वह भी जरूरी है, बट उसके साथ वो चीट ना हो पाए, उनके साथ फ्रॉड ना हो पाए, तो क्या होना चाहिए? भानु जी। सर, माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट वी हैव अ लॉट टू कैच अप व्हेन इट कम्स टू क्राइम इन द साइबर स्पेस. देयर इज अ लॉट ऑफ इनोवेशन दैट इज हैपनिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गैप इन टर्म्स ऑफ द अवेयरनेस विद द कॉमन पब्लिक एंड बी इट यूथ बी इट अ मिडिल एज इंडिविजुअल और एन ओल्डर इंडिविजुअल. देयर इज अ लॉट ऑफ गैप इन टर्म्स ऑफ हाउ मच वी नो एंड हाउ मच द परपेट्रेटर्स नो अबाउट कमिटिंग द क्राइम. So there has a lot of innovation and technological advancement in terms of how the crime is committed in the cyberspace, which a common individual might not know. So there is a huge gap between what common public know about the crime and what people who commit the crime actually knows about. So in terms of prevention, a lot of awareness has to be built, and there should also be a lot of preparedness in terms of these eventualities, which will happen. It's inevitable. The traditional crimes are going to decrease over the time, and there will be increase in cyber crimes, and which is inevitable, and it will happen. So the individuals and at the policy levels of the governments also should also look at the preparedness for such kind of a drastic crime rates in cyberspace. In alignly we'll have to plan the prevention strategies and increase awareness and build mechanisms in order to facilitate the support process post-crime. So of course there's a lot to do, but a lot of it has to begin with building awareness and parallelly building systems which could facilitate the support mechanism and provide counseling and rehabilitative support for the victims of cybercrime. So I would emphasize on the preparedness and awareness building in a larger scope. You know, Bhanu, what I'm thinking of after listening to you, as we Yes, are ma'am. moving ahead with the preparedness, you know, preventive measures, a lot of thoughts are being put in by psychologists, even by police officers, everything. Somewhere, what's happening is we are still not able to understand the mindset and the brain of the people who are committing the crime. I'll speak in Hindi also, so the audience there are Hindi बोला कि हम लोग जो हैं पूरी ताकत से, ये जो 11 एपिसोड्स जो अभी पांडे जी ने कहा, कंटिन्यूअसली हम लोग पुलिस ऑफिसर्स, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, लॉयर्स, बिलीव एनीबॉडी, सभी लोग आके यहाँ पे अपना दिया है विचारधारा दिया है. एज अ मनोवैज्ञानिक माई सेल्फ, मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं डाउन द लाइन यू नो हम लोग हिट नहीं कर पा रहे उनको. ये एक दिमाग में हम लोग का बैठ गया है, यंगस्टर्स आर कमिटिंग क्राइम. नंबर वन, बच्चे हैं 20 साल से 25 साल या 18 साल से 30 साल, मैक्सिमम 30 साल, अनपढ़ है, इलिटरेट है, कमिंग फ्रॉम पुअर होम्स, कुछ नहीं जानते आईटी टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं जानते कंप्यूटर साइंस, कुछ नहीं जानते, येट वो जो क्राइम कर रहे हैं कोई एविडेंस नहीं छोड़ रहे हैं, कन्विक्शन रेट लो हो रहा है, हर्षिता विल स्पीक अंडर ट्रायल्स होके निकल जा रहे हैं. तो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज एज एजुकेटेड पीपल, लर्निंग पीपल, दैट वी आर ट्राइंग टू प्लान, व्हाई आर वी फेलिंग, कहाँ पे हम लोग असफल हो रहे हैं, व्हाट एल्स वी नीड टू नो अबाउट देम, ये बहुत जरूरी है. जी राइट, क्वेश्चन केवल एक ही बात में आ रही है। हम लोग इस बात को भी समझ रहे थे और लगभग बातें हो रही हैं।
लोग सब चीजों को पकड़ाते हैं, क्राइम करते हैं, क्राइम करने के बाद में अब पुलिस महकमा काफी हद तक स्ट्रांग हुआ है और इन इस तरह के क्रिमिनल को पकड़ भी रहे हैं। अब एक प्रश्न जो हमारे दिमाग में आते हैं, जब डॉक्टर सुब्रा जी से भी हम लोग बात कर रहे थे, जब आपस में इंटरेक्शन होता है फोन पे, तो एक आती है कि जेल पे इनके साथ में कैसा व्यवहार है, क्या इनके ऊपर करेक्टिव मेजर लिए जा रहे हैं, और क्या जेल से आने के बाद ये जो हमारी सोशल लाइफ है, जो हमारा समाज है, उस पे ये पुनः एडजस्ट हो पाते हैं, उस रास्ते को छोड़ रहे हैं, या अंदर में क्रिप और बाहर आकर के, जैसे मैंने कहा कि अपने आप को हम रोज अपग्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ये क्रिमिनल और अपग्रेड होकर के और नई गैंग बनाकर तो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी फोरम पे और भी जो पुलिस ऑफिसर्स आए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात को एग्री किया कि अब जो ये क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम, या साइबर क्राइम एक कारपोरेट की तरह काम करने लगा है। एक क्रिमिनल पकड़ाता है, फिर जेल के अंदर जाता है, उसे सुधार की जरूरत पड़ती है। जेल के अंदर किस तरह के करेक्टिव चीजें की जाती है और आपके अनुभव क्या है, पहले हम वो सुनना चाहेंगे रिगार्डिंग क्रिमिनल, साइबर क्राइम क्रिमिनल्स के ऊपर में। जी बिल्कुल ठीक बात है। साइबर क्रिमिनल्स जो हमारी जेल में आते हैं उनका बेसिकली अभी क्योंकि ये नया आईटी एक्ट है, अभी उसमें बहुत ज़्यादा अभी इनोवेशन की ज़रूरत है, अभी लोगों को ठीक से समझ नहीं आया है हाउ टू डील विद दिस। कोई केसेस आते हैं पुलिस के पास तो किस धारा में रजिस्टर करना है, लाइक उसको 67 में करना है कि 66 में करना है, 43 में करना है, तो ये कुछ चीज़ें इसमें आती हैं। और अभी हम लोगों की जो जेलों में क्रिमिनल्स का आना शुरू हुआ है, साइबर क्रिमिनल्स आई मीन, तो दे आर बेसिकली अभी उनके केसेस चल रहे हैं तो अंडर ट्रायल्स हैं, अभी उनका जो सज़ा नहीं पड़नी शुरू हुई है बहुत ज़्यादा। और उसका रीज़न मैं ये समझती हूँ कि शायद अभी जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं उनको उनको भी थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग उनकी आवश्यक है, क्योंकि उनको खुद भी थोड़ा इंटरनेट और ये सारे इश्यूज का पता होना जरूरी है, अदरवाइज वो नहीं समझ पाते हैं कि इनका क्राइम की ग्रेविटी क्या है और उनको क्या सजा दें। लंबा टाइम लगता है उसको समझने में और उसका सारा एविडेंस कलेक्ट होने में, तो थोड़ा सा ये इशू आता है। तो हम लोग रिहेबिलिटेशन के बारे में तो तभी सोच सकते हैं जब उनको कन्विक्शन किसी को हो जाए। इन द मीन वाइल जब तक वो अंडर ट्रायल्स रहते हैं तो उनको ये देखने में आता है कि उनको जनरली जो बाकी कैदी हैं उनसे कैसे उनका डिफरेंसिएशन किया जाए, क्योंकि दे आर हाईली ब्रेनी पीपल। और उनको जो हम लोगों को अभी इनिशियल स्टेज में लगता है कि उनको रिहेबिलिटेशन के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आएंगी आगे चल के, क्योंकि जिस भी काम को कर रहे हैं वो इतना ल्यूक्रेटिव है कि हम लोग जेल में उनको अभी जो फिलहाल जो स्किल्स सिखा रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में पैन इंडियन बेसिस पे, व्हाट एवर स्किल्स दे आर बीइंग इम्पार्टेड दैट ओनली इज नॉट सफिशियंट टू रिवॉर्ड देम फाइनेंशियली, बिकॉज वो थोड़ी सी ट्रिक करके जो दूसरों का एक क्लिक में पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं, या वो कोई नेट हैकिंग करके, अब उसको रेड टीमिंग भी कहा जा रहा है, पूरी पूरी कंपनीज को हैक कर ले रहे हैं, तो इन सब चीजों में उनको जितना फाइनेंशियल गेन हो रहा है तो दे आर नॉट इंक्लाइन टू एनी सॉर्ट ऑफ रिहैबिलिटेटिव स्कीम्स विच आर राइट नाउ रनिंग इन द जेल्स। दूसरी चीज ये है कि फिलहाल जब तक वो रहते हैं क्राइम अंडर ट्रायल के दौरान, तो वो उनको क्योंकि वो बेसिकली नर्ड्स हैं तो वो बहुत अगर तकलीफें पाएंगे अगर वो बाकी क्रिमिनल्स के साथ, बाकी प्रिजनर्स के साथ वो अगर जेल विद ना करे, और जेल विद वो हो नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं या हाईली ब्रेनी लोग हैं, कभी कभी 12th पास करके भी हैकिंग सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे के सारे टेक्नोक्रेट्स ही हैं, लेकिन जो अगर वो अपने बारे में ज्यादा चीजें शेयर ना करें अपने फेलो प्रिजनर्स से तो बाकी बंदी उनको कुछ बहुत ज्यादा तंग नहीं करते हैं कि अरे ये छोटे मोटे चोर होंगे, इन उनको क्या पता कि इनका जो वॉल्यूम है वो कितना जबरदस्त है, लोगों के अकाउंट से एक सेकंड में कितना खाली कर सकता है, तो ये है वो उनको ज्यादा तंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर उनको पता लग जाए इसके बारे में कि इनकी क्या कैपेसिटीज हैं तो
तो डेफिनेटली उनके लिए दिक्कत पेश आने वाली है। अब इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, वो ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज लाए कि इनको साइबर अपनी जो स्किल्स हैं इनकी, उन स्किल्स को हम लोग टैप करें और उसको हम लोग साइबर सिक्योरिटी में डाइवर्ट करें कि साइबर सिक्योरिटी मैन बनो तुम कुछ गवर्नमेंट को मदद करो, तो कुछ कंपनीज को मदद करो और अपनी स्किल्स को और ज्यादा ऑगमेंट करो, और ज्यादा स्किल्ड बनो, तो इनको कुछ लाया जा सकता है मेन स्ट्रीम में। जैसे कि एक रशिया बेस्ड है सोक्रेटिस 360, एक वो है, मतलब इनका प्लान है हाउ टू ब्रिंग देम इनटू रिहैबिलिटेशन, आई मीन अबाउट दी साइबर क्रिमिनल्स। तो उस तरीके की इंडिया में जब कोई चीजें शुरू की जाएंगी तभी हम इनके बारे में कुछ पॉजिटिव होके सोच सकते हैं। और इतना ही मैं कह सकती हूँ, फिलहाल तो यही इनकी पोजिशन है। डॉक्टर जी शुक्रा, मैं आपकी ओर जाऊंगा कुछ क्वेश्चंस। मैं जो है विथ माय नॉलेज ऑफ प्रिजन फॉर द लास्ट 10-15 इयर्स और मोर लखनऊ में थी, मैं हर्षिता से कुछ पूछना चाहती हूँ। वन नंबर वन, जी जी जो मेरे दिमाग में इतना करने के बाद भी पांडे जी मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ साइबर क्रिमिनल्स के मामले में, कि ये लोग दिखाते भी हैं, कहते हैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी आए हुए हैं प्लेटफॉर्म पे बोला है कि ये लोग जो है यंग एज के होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही भानु से भी, आप कह रहे हैं कि ये हाई स्कूल कर करके भी इनको टेक्नोक्रेट के बारे में बहुत ज्यादा पता है, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो मैं मानती हूँ कि इंटेलिजेंट है। पर मैडम हर्षिता ये बताइए अब कुछ कि आप तो देख रहे हैं, मैंने अभी तक इन क्रिमिनल्स को देखे ना पांडे जी ने देखा है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप स्वयं इनको देखा है, व्हाट एज आर दे व्हेन दे गेट अरेस्टेड एंड कम टू योर जेल, नंबर वन। नंबर टू हर्षिता, डू यू कीप देम इन वन बैरक, एक ही बैरक में रखते हैं या अलग अलग रखते हैं? और नंबर थ्री है, जो मेरे विचार और पांडे जी भी अग्री करेंगे, हम लोग अब तक यही देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें एक दो नहीं बहुत लोग इन्वॉल्व हैं जो आपके जेल में नहीं आ रहे हैं, आप उन लोगों को पकड़े हैं, पुलिस वाले पकड़ रहे हैं जो छोटे छोटे चूहे हैं। तो ये लोग जो अंडर ट्रायल्स हैं, जब आप एज ए सुपरिंटेंडेंट राउंड लगाती हैं क्या करते हैं ये लोग अपने रेस्ट टाइम पे, जरा बताएंगे हमें? यस श्योर मैम, फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल आंसरिंग टू योर एज ब्रैकेट, इनका मोस्टली अर्ली 20s या अर्ली 30s के बीच में इनका, जब ये आते हैं पकड़े जाते हैं उस समय इनका एज ग्रुप होता है। और दूसरी चीज, इनको बैरक्स में जहां तक रखने की बात है, अभी हमारे पास इतने ज्यादा प्रिजनर्स नहीं हैं साइबर क्रिमिनल्स की मैं बात करूं, तो हम इनके लिए कुछ अलग से अरेंजमेंट कर सके, ये है कि ये एसोसिएटेड बैरक्स में ही रहते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, बड़े लो प्रोफाइल वाले प्रिजनर्स हैं इसलिए ये जेल कर जाते हैं। ये थोड़े नर्डी, यू कैन से देम कि दीज आर नर्डी, वीक नर्ड, जो कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इस तरीके के क्राइम्स नहीं कर सकते हैं ये केवल इसी तरीके के मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर बेस्ड ही क्राइम्स कर सकते हैं, तो इसलिए इनका बेंट थोड़ा सा इस तरह का होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इनके पास वो सारे के सारे गैजेट्स नहीं है वहां पे जेल में, दीज थिंग्स आर इलीगल, मोबाइल कंप्यूटर इनको बैरक्स में तो प्रोवाइड होता नहीं है, तो ये वैसे भी थोड़ा सा अलग थलग कोई बुक्स उठा के पढ़ते हैं या कुछ इस तरह का अपना शतरंज वगैरह खेलते हैं, जो भी चेस खेलते हैं या बोर्ड गेम्स कुछ भी खेलते हैं, ये करते हैं ये बेसिकली। लेकिन इनको हम अलग से नहीं रख सकते क्योंकि इतना लार्ज नंबर नहीं है। अभी आपको मैं बता सकती हूँ कि 2020 में नोएडा जेल में करीब 150 ये साइबर क्रिमिनल्स आए थे, वो कोई बड़ा वहां पे एक केस हुआ था तो उसमें ही सारे के सारे अरेस्ट हुए थे, तो दे आर देयर। तो दीज वेस्टर्न यूपी जेल्स आर बेटर इक्विप्ड टू होस्ट देम, और उनके यहाँ जरूर है कि उन्होंने उनको कुछ एक दो बैरक्स में ही उन्होंने समेट समेट के रखा है, तो दे आर देयर। लेकिन ये कोशिश ये की जाती है कि अगर इनको एक साथ रखा जाएगा तो ये जेल का सिस्टम भी हैक कर सकते हैं, दे आर सो हाँ कॉम्पिटेंट। या अपना भी तो सिक्योरिटी देखनी है क्योंकि हमारा तो सारा का सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए सारे सिस्टम्स हमारे जेल के अंदर, इंटरनेट भी है और वाईफाई भी है,
इन सारी चीजों का, और मोबाइल भी कभी कभी कुछ कुछ जेल्स में स्नीक इन हो ही जाते हैं, तो यू नेवर नो कि कब ये क्या करें, और तो इसलिए हमें बहुत हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है। तो इसलिए हम इनकी बहुत उस तरीके की जो इनकी जो हम लोग तलाशियां कराते हैं वो बड़ी एक्सटेंसिव होती हैं, कि कहीं भी कोई छोटी सी चिप भी ना इनको मिले, या मोबाइल तो खैर बहुत दूर की बात है, चिप भी ना मिले इन्हें। तो ये है। दूसरी चीज आपने पूछी कि ऑर्गेनाइज, तो ऑर्गेनाइज का अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये वेस्टर्न यूपी में, हमारे यूपी की जहां तक बात है, तो वेस्टर्न यूपी में या हिमाचल में और आपके हरियाणा में, दिल्ली में, बेसिकली तिहाड़ में, इस तरीके के प्रिजनर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। अदरवाइज फिर बिहार के बारे में भी कुछ एनसीआरबी के डाटा में आपको मिलेंगे कि बिहार में झारखंड भी में भी अरेस्ट, है। हाँ यस, तो इन इन पॉकेट्स में जहां जहां हैं, तो वहां ये बहुत बड़ी, जैसे आपने कहा ऑर्गेनाइज तो है ये, लेकिन इनके ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं वो बाहर ही रहते हैं, दे आर नॉट गेटिंग अरेस्टेड अंटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा स्कैम ये करे और वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए, तो तब तक बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं ये लोग। थैंक यू, थैंक यू। टोटल दो बातें आती है कि एक तो जो जेल में इन्हें रखा जा रहा है तो थोड़ा सा डर तो है पुलिस के जेल में भी कि अगर इन्हें एक साथ रखेंगे तो हैकिंग करने की संभावना है बनती है। दूसरी बात, शायद अभी तक कोई बड़ा कानून नहीं बन पाया है ऐसे लोगों के लिए, और तो शायद इन्हें यह भी लगता होगा मैम कि जल्दी छूट जाएंगे तो थोड़ा सा ये बेपरवाह भी रहते होंगे। जल्दी छूट जाएंगे तो ये इनको नहीं लगता है इनफैक्ट, क्योंकि इनको अपना जो केस चल रहा है उसमें इनको यही लगता है कि जब अब हमारा केस सुनवाई पे ही नहीं आ पा रहा है, उस पर एविडेंस ही नहीं आ पा रहे हैं, जब तक किसी थोड़ा सा आगे बढ़ नहीं जाता तब तक इनकी बेल की भी थोड़ी गुंजाइश कम ही रहती है, तो वो इतना जल्दी, अभी सजा की तो बात ही नहीं मैंने आपसे करी, क्योंकि सजा तो बिल्कुल। अभी बहुत ज्यादा पड़ ही नहीं रही है। तो यही है कि ओनली आउटलेट इज जस्ट टू गेट बेल्ड आउट, और बेल अभी इतनी आसानी से मिल नहीं रही है क्योंकि अभी क्राइम ही नहीं पक्का, पर इनकी चार्जशीट ही बहुत केसेस में प्रॉपरली फ्रेम नहीं हो पाती है। तो ये है, इनको डर रहता है कि अगर ये छूट जाएंगे तो, इनको कई डर तो होते हैं कि अगर मान लीजिए कि कई बड़े माफियाज के कॉन्टेक्ट में ये आ गए, या सपोज किसी ऐसी जेल में जहां इन्हें मालूम है कि माफियाज हैं, तो ये दे थिंक कि वो फिर इनको प्रेशराइज कर सकते हैं, और ये जेल में से छूटने के बाद वो लोग इनको कह सकते हैं कि आप हमारे एक्चुअली लिए क्राइम करो। उस समय आपकी वॉइस या आप नहीं आ पाया था, मैंने शुरुआत में यही एक बातें यहाँ पे रखा था और ये मेरा भी एक शक है डाउट में कि अक्सर कई बार होता है कि छोटे क्राइम करने वाले लोग जेल पे जाते हैं और फिर जी वहां किसी न किसी बड़े गैंग से उनका मुलाकात होता है और बाहर जी आकर वो बड़े गैंग से जुड़ते हैं और फिर बड़े किसी बड़े क्राइम को अंजाम देते हैं। ऐसी बहुत सारी केसेस हम रोज मीडिया पे देख रहे हैं। अभी दो तीन शूट आउट भी आपको भी जानकारी में होगा, वो छोटे चल जी रहे थे लेकिन जाके बड़े गैंग में शामिल हो जाते हैं बाद में। हो जाते हैं जी तो जिस तरह से ये हैकर्स हैं, जेल के अंदर जब इन्हें कॉमन रखा जाता है तो क्या ये संभावनाएं भी हो तो सकती है ना कि बाहर आएंगे तो उस समय तक उनके कॉन्टेक्ट में आकर के ये भी तो हैक हो सकते हैं किसी बड़े माफिया के साथ वेरी में, बड़े गैंग ट्रू, के साथ में, वेरी ट्रू, वेरी और ट्रू, आकर के आने वाले समय में बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते दे हैं। सकते, वेरी ट्रू, तो बिल्कुल, थोड़ा सा एक पार्ट को इसको भी समझें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये तो संभावनाएं हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन की और जहां पे अपन प्रिकॉशन की बात चल रही है तो हर्षिता मैडम के लिए भी एक रहेगा कि प्रिकॉशन कैसे रखा, तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत तो पड़ेगी और हमारे बिल्कुल, पास में डॉक्टर सुब्रा जी से ज्यादा इस चीज को समझने वाला कौन होगा क्रिमिनल की साइकोलॉजी को। तो थोड़ा सा एक बार डॉक्टर सुब्रा जी से और इस पॉइंट पे रखेंगे जो मेरी शंका है, तो हेल्प डॉक्टर हर्षिता जी को भी हो जाएगी कि जेल के अंदर में इन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए उन लोगों के साथ में। हाँ ये तो है। नहीं मैं जो है ये कहना चाह रही थी, शी इज कम्पिटेंट एनफ टू हैंडल द सिचुएशन, पर बात क्या है कि अगर डाइवर्सिफाइड टेक्निक जो मैंने आर्टिकल्स में है, रिहैबिलिटेशन काफी हमने रिसर्च किया है, कि इवन अगर उनका शॉर्ट स्पैन ऑफ स्टे है 3 महीने अंडर ट्रायल, ठीक है, एविडेंस नहीं मिल रहा है, बेल नहीं दिया जा रहा है, हर्षिता जी आप सुन रहे हैं ना, यस तो यस यस हाँ इनको डाइवर्सिफाइड अगर आप करें, क्यों, क्योंकि मैंने जो है देखा, यू नो आई हैव बीन टू
all the jails in the country, except for Kerala and Nagaland, Mizoram. सब जगह मैंने विजिट किया, जहां पर ये लोग एक कम उम्र होगा, यंगस्टर्स हैं, इंथ्यूजियाज्म है, पैसे इतने मिल रहे हैं, टेम्पटेशन बढ़ रहा है, और जेल, कभी कभी हम लोग ये भी कहते थे प्रिजन इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ क्राइम, इज Yes, अ definitely. लर्निंग ग्राउंड ऑफ न्यू क्राइम. Right. वहां पर अगर हम डाइवर्सिफाई कर दें हर सिदर, फॉर इंस्टेंस ग्रुप बना लिया, उनको कुछ पढ़ने का काम दे दिया, उनको कुछ ऐसा कोई नहीं, जेल मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि कॉन्विक्स विल वर्क, अंडर ट्रायल्स विल वर्क ओनली व्हेन यू आस्क देम एंड दे अग्री टू वर्क, यू कैन नॉट फोर्स देम टू वर्क, जेल मैनुअल में ये. Yes, पर अगर आप परसुएट करें, काउंसलिंग करें कि देखो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, इंटेलिजेंट तुम्हारे घर वाले सफर कर रहे हैं, बदनाम हो रहे, तुम ये काम करो, जो पढ़ने की रुचि रखता है वो पढ़ रहा है, जो कुछ काम और करना चाहता है वो कर रहा है, तो ये जो अटेंडमेंट माइंड का है, ये और बाहर निकल के कहाँ हैकिंग करें, कहाँ क्रैकिंग करें, कहाँ से हम लोग हॉल करें पैसा, किस ऑर्गेनाइजेशन को जुड़े, वो खत्म हो जाएगा. एक ये जो है मेरे एज अ करेक्शनल ऑफिसर, आप सोच सकती हैं कि ये डाइवर्सिफाइड कर देने के इरादा अगर आप लोग बना लें हर जेल्स में, तो ये लोग और नया तरीका सीखेंगे नहीं, और बाहर जाके नए तरीके आई काम वुड करेंगे नहीं, ये मेरा बिल्कुल कहना है. बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा फरमाया. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग जो मैंने कहा कि जैसे कि बहुत कम नंबर्स होते हैं इन क्रिमिनल्स के, साइबर क्रिमिनल्स के, तो वी हैव लॉट्स ऑफ जॉब्स फॉर देम इनसाइड द जेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमारा सारा कुछ तो ऑनलाइन हो गया है, जैसे ई प्रेजेंस है, ई मुलाकात है. अब हमारा जो मेडिकल वाला डॉक्टर्स का मतलब हॉस्पिटल, जो जेल हॉस्पिटल है, वो भी पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया है कि मतलब प्रिजनर्स का, अब हम लोगों को कहा जा रहा है कि अब आप उसको पूरा डाटा ऑनलाइन कीजिए कि हम जितने भी जेल में प्रिजनर्स हैं वो कब, कौन, उन्होंने क्या मेडिसिन ली, उनके क्या चेकअप्स हुए, उनके क्या प्रॉब्लम्स थे जब वो आए थे जेल में इनिशियली, कोई सब्सटेंस अब्यूजर्स थे, या मान लीजिए उनको पैर में गोली लगी है, या कुछ जो भी उनका पूरा मेडिकल हिस्ट्री है, दैट इज टू बी रजिस्टर्ड एंड दैट इज गिवन नंबर. तो हम लोग इनको ई प्रेजेंस में लगाते हैं, इनको हम हॉस्पिटल में मैनेजमेंट में लगाते हैं. अब जैसे जेल लाइब्रेरीज बन रही हैं तो हम लोग जेल लाइब्रेरीज के मैनेजमेंट में इन्हें लगाते हैं. ईच वन की जो पॉलिसी है उसमें हम इनको कहते हैं कि जो लेसर फॉर्चुनेट है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उन्हें पढ़ाओ, तो उसको हम लोग ऑगमेंट करते हैं कि भाई मोटिवेट करते हैं बेसिकली कि भाई तुम क्या करोगे, सफोकेट हो जाओगे बैरक में पड़े पड़े, वो बिल्कुल जाहिल लोग हैं, बाकी लोग उनकी बातें सुनोगे तो तुम डिप्रेशन में आ जाओगे. एंड दे अग्री टू इट मैम, हमको ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता है, तो ये अपनी इच्छा से फिर वो आते हैं एंड दे डू द जॉब. लेकिन हाँ, ऑब्वियसली हम उनके ऊपर एक विजिलेंट रहते हैं बिकॉज दे माइट प्ले अ न्यूसेंस वैल्यू इन साइड द जेल. जो भी सिस्टम है हमारा उसको ही कुछ गड़बड़ कर दे, जस्ट टू ब्लैकमेल अस, जस्ट टू पुट अस इनटू अ प्रॉब्लम, तो वो पूरे के पूरे ग्लिचेस ना कुछ कॉज करें, वो हम ध्यान में रखते हुए इनको ऐसे ही काम देते हैं जेल में बेसिकली. ये तो सही दे डू इट वेरी ग्लैडली, दे डू इट. That type of counseling is required, यस, you एंड उनको एक ये भी know. रहता है कि जैसे कि उनको ये फील होता है कि जैसे हम लोग सुबह तैयार होकर के, एक बंदा ऑफिस जाता है उसका 10 to 5 जॉब है, तो इनको वो वाली फीलिंग आती है कि बैरक से ये तैयार होके आते हैं, फिर ये ऑफिस में अपना जो भी इनको काम डिनोट किया गया वो काम ये करते हैं, फिर हम लोग इनसे बातचीत करते हैं तो हम लोगों का इनके प्रति एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा जो एटीट्यूड होता है उस तरीके का इनसे, हमारे और हमारी विसिनिटी में रहते हैं तो इनको ये भी लगता है कि सर है मैम है तो हमारी कोई प्रॉब्लम होगी तो सुन लेंगे, तो ये हमारे पास आना भी चाहते हैं. तो वही जो है ना कि बच्चे जो राउडी होते हैं उन्हें क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है, तो वी ट्रीट देम द सेम वे कि तुम एक नहीं, ये पॉजिटिव तो काम है. करो, दिस इज द थिंग मैम. और प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स में भी इनको पार्टिसिपेट कराइए, या यस काउंसलिंग यस यस कीजिए. आई फोगॉट, यस आई फोगॉट, ये जितने भी टूर्नामेंट्स हम लोग कराते हैं, अभी आपको जैसे आप तो जानते हो कि हम लोगों का फरवरी फर्स्ट वीक में क्या होता है वो, सरस्वती पूजा से हमारा 1 वीक का चलता है जेल दिवस, जेल दिवस प्रोग्राम, जेल वीक. तो उस समय फिर हम लोग सारे के सारे टूर्नामेंट्स कराते हैं, तो फिर इनसे हम लोग
क्वेश्चनायर तैयार करवाते हैं कि चलो तुम थोड़ा जीके का क्वेश्चनायर तैयार करो, या चलो चेस में पार्टिसिपेट करो, या क्रिकेट मैचेस कराते हैं, बैडमिंटन, जो भी ये गेम खेलना चाहते हैं, जिस तरह की टीम बन पाए, और सब बहुत बड़ी टीम तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ 1-to-1 टीम अगर बन जाती है तो वो वाले गेम हम लोग आउटडोर एंड इनडोर इनमें इनको इन्वॉल्व करते हैं, इनको एक थोड़ा सा लीडरशिप का रोल देते हैं, तो दे फील उनका जो इनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो थोड़ी ऑगमेंट होती है मैम उससे, तो राइट दे राइट, और आर सबसे नॉट बड़ी बात यह है कि जेल में जो जा रहा है वो एज ए क्रिमिनल, उसको पता होता है कि मैंने कोई क्राइम किया है, और बाहर जो पब्लिक है उन्हें भी मालूम चलता है कि ये कोई क्राइम करके अंदर गए हुए हैं, तो एक जी जो साइकोलॉजी है वो तैयार रहती है सबके लिए। साइबर के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि वो इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग हो जाते हैं, क्योंकि वो एक स्किल्ड लोग हैं, और स्किल जाता है तो सबसे पहला जो अंदर गया है तो उसके साथ जो क्रिमिनल है वो भी नहीं समझते कि ये कोई बहुत बड़ा क्राइम करके अंदर आया है। और मेरे ख्याल से जो बाकी निचला तबका है आपके जेल का, वो भी उन्हें कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं समझता है। तो थोड़ा सा ये सेल्फ एस्टीम वाली बात रहती है। बहुत सारी बातें डॉक्टर शुभ्रा जी ने कही कि उनके साथ में क्या होना चाहिए, और आपके जेल में बहुत कड़ी बात का हो भी रहे हैं उनके लिए। तो भानु, आई विल कम बैक टू यू। उसके पहले डॉक्टर मधुलिका शर्मा जी के पास चलता हूँ, फॉरेंसिक एक एक्सपर्ट बार भी। पांडे जी देवारती को देख लीजिए, वो एनजीओ चलाती है साइबर विक्टिम्स के मैं ऊपर। कोशिश कर रहा था बट शी इज नॉट हियर अच्छा मैं ना, देख रही हूँ। अभी नहीं आ पाई है वो भी। तो मैं अच्छा थोड़ा सा मधुलिका शर्मा जी के पास चलूंगा। वो तो हाँ हाँ पॉइंट रखती है फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के साथ साथ में थोड़ा सा अध्यात्म में जुड़े हैं, और जब बात मन की आती है तो मन की शांति के लिए कुछ ना कुछ करना पड़े। कहीं ना कहीं हर बार मैं साइबर क्राइम से लेकर के लाइफ कैंपस के अंदर पे जो मेरे प्रोग्राम होते हैं, मैं मन को ही लेकर के चलता हूँ, क्योंकि सारा का सारा जो ये हंगामा है ना, ये मन का है। तो उनके मन को थोड़ा सा क्या अगर डाइवर्ट करना या मन को शांत करना आवश्यक है, क्योंकि अभी एक प्रोग्राम में मल्लिका जी मैं कह रहा था, अचानक वो बातें जी निकली, और उसको मैं हर जगह कोट करता हूँ, शायद सबके लिए बेहतर होगा कि आज की जो दौड़ है ना इस पे, क्योंकि मैडम सान्याल जी कह रहे हैं शेरो शायरी होते रहना चाहिए ना, और लखनऊ से मैडम आ रही है, तो अगर इस तरह की बातें ना मजा भी नहीं आएगा। तो कहते हैं, किसी ने कहा था कि अगर आपको इस जीवन में सफल रहना है, सक्सेसफुल रहना है और हेल्दी रहना है, तो माथे को ठंडा रखना चाहिए, पेट को नरम और पैर को गर्म करना चाहिए। अब क्या हो रही है, हो गया है उल्टा, हमारे सबके पैर हो गए हैं ठंडे गर्म की जगह, पेट पूरा टाइट रहता है और माथा ओवर गर्म हो चुका है। तो मधुलिका जी, ये गर्मी का ही असर है जो साइबर क्राइम हो रहे हैं। भानु मेरी बात को सुन करके शायद समझ रहे होंगे, तो एक्सेस वर्क कर रहा है हमारा माइंड। मधुलिका जी जी मैं इसी आपकी इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि ये उल्टा किस लिए हुआ कि बिकॉज वी स्टार्टेड सिटिंग मोर ऑन द चेयर्स, तो गर्मी सारी ऊपर चढ़ गई है, पैर ठंडे हो गए हैं और पेट टाइट हो गया है, गैस बनती है, खाद बैठे बैठे खा रहे हैं, तो इसी वजह जी से ये सारे रीजंस है। अदर देन एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके आर्टिक तो रूल्स और टाइट होने चाहिए, जिसमें कि पनिशमेंट ऐसी हो जिससे लोग डरे थोड़ा सा कि भाई अगर ये बाकी कंट्रीज में क्या होता है पनिशमेंट, और वो इतना टाइट होता है कि लोग क्राइम करने से पहले 10 बार सोचते हैं, हमारे इंडिया में सो पता है कि उनको छूट जाएंगे। अब आपके यहाँ देखो जो वो महादेव स्कैम जो हुआ था उसमें इतने बड़े बड़े लोग, अगर इस तरह के लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो उसमें आप मतलब जनरल बच्चे जो है जनरेशन क्या सीखेगी, नहीं, महादेव ऐप की भी चल रहा है मैडम, चल रहा है, पर आप उसका अभी इम्पैक्ट देखिए, इम्पैक्ट बोल रही हूं मैं कि उससे क्या होता है कि लोग जानते हैं कि बड़ा बड़े वो बैठे हुए सीएम बचा लेंगे, फंडिंग करेंगे, उससे बड़ी चीज अब आप देखो ना दूर कहाँ जा रहा है, संसद का ही अभी देख लो ना जो हुआ है, जो पीले स्मोक छोड़े गए हैं उसके पीछे कितना वो है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी में कितना बड़ा उन्होंने वो किया जी, है। मैं यहीं से थोड़ा सा रोक रहा हूं, विषय भूल जाऊंगा, इसलिए मैं फिर से हरता जी बचाता हूँ। मैडम, अभी बातें आ गई मल्लिका जी की महादेव ऐप की। एक बहुत बड़ा स्कैम हमारे छत्तीसगढ़ में है, और मेरे पड़ोस पड़ोस का डिस्ट्रिक्ट है, काफी बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर ऐसे स्कैम वाले, ऐसे व्यक्ति अगर आपके जेल पे आते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता होगा। डेफिनेटली
ऐसे कंडीशन पे जो स्कैमर अंदर जा रहा हैकर जा रहा है, उसके साथ एक जेल के अंदर का माहौल आप कैसे कर पाते हो कि सुधर के बाहर आएगा, जो करेक्टिवनेस की बात चल रही है? क्योंकि एक्चुअली अभी तो थोड़ा सा पहले एक एक बात जो हो रही है ना, जो हो रही है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी रामायण में चौपाई है कि भय बिन होए ना प्रीति। हमारे यहाँ पे जी जितने भी रेगुलेशन है, जितने भी डिपार्टमेंट है, वो केवल डर की वजह से हो रहे हैं। जब तक उनको फियर नहीं दोगे वो नहीं सुधर सकते। हम लोग तो वो ना, हैं, इंग्लिश में भी कहावत है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। इसलिए आप लोग उसको बोलते जाए, मैं तो हिंदी में बोलूंगा। अभी हम लोग भी निकल रहे थे मैडम, अगर ट्रैफिक के रूल को भी फॉलो करने की बात हो जाए, रेड सिग्नल है, अगर वहां पे ट्रैफिक का हवलदार नहीं खड़ा है, सिपाही नहीं खड़ा है, तो हमारे लिए रेड सिग्नल कोई मायने नहीं रखता, वो हमें ग्रीन ही दिखाई पड़ता है, ये हमारी रणनीति है। तो हमें जब तक, तो ऐसे मुद्दा है, अगर ऐसे बड़े लोगों का अगर स्कैम पकड़ा जाता है, अंदर आते हैं, तो उनको पनिशमेंट कैसे दिखा सकते हैं कि उनके अंदर में जेल में जाने का एक डर हो, ताकि बाहर वालों को समझ में आए कि बाहर नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली देखिए, अभी हम लोगों को थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि ये जो साइबर क्राइम है वो अभी इंडिया में थोड़ा एक इन्फेंसी की स्टेज में है। वो बहुत आगे, अभी इवन एडोलेसेंट नहीं हुआ है वो, और मैच्योरिटी की तो बात कहाँ से हम कर सकेंगे। लेकिन हाँ, कमिंग टू द पॉइंट कि आपने जिस स्कैम के बारे में उठाई बात कि प्रेशर्स, तो यस प्रेशर्स आर देयर, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द ऑफिसर कि वो प्रेशर में आता है या नहीं आता है। जहां तक मेरा सवाल है, तो मैं कभी प्रेशर्स में आती नहीं, बहुत पोलाइटली अपने सीनियर ऑफिसर्स को अपनी प्रॉब्लम कम्युनिकेट कर देती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, हैड यू बीन इन सच अ सिचुएशन तो व्हाट वुड यू हैव डन। तो मैं उन्हीं से इंस्ट्रक्शंस मांग लेती हूँ, सबसे पहली राइट बात राइट तो ये। तो दे कैन नॉट से कि नहीं, आप रूल्स को ब्रेक करके किसी को सपोर्ट करें या किसी सिस्टम को आप वो ओवरलुक करें, तो दैट इज ऑलवेज देयर। और इन लोगों से भी फिर एक मैं मीटिंग फिक्स करती हूँ कि भाई आप लोग बताएं कि अगर ऐसा है तो आपको ये समझ में आ गया है कि अब आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के शिकंजे में तो आ गए हैं, अब आप अंदर हैं तो अब आपको कुछ रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि रिहैबिलिटेशन का इंडिया जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है दैट इज नॉट पनिशमेंट ओरिएंटेड, एक्चुअली दैट इज मोर रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन, रिफॉर्मेटिव जी जी मैम, एंड रिहैबिलिटेशन, यस रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव, यस ऑफ कोर्स रिहैबिलिटेशन एंड विद अ रिफॉर्म। यू नो, ये नहीं है रिहैबिलिटेशन का मतलब कि वो फिर से जाके वही क्राइम करें। हाँ, या अब बाकी जो फाइनेंशियली बहुत ल्यूक्रेटिव काम करके नहीं आए हैं, उनको तो एक बार मोल्ड करके वापस रिहैबिलिटेशन में लाना थोड़ा पॉसिबल होता नो, है। वन थिंग, चले गए क्या भानु? कुछ भानु इज फीलिंग मैसेज आ समथिंग। गया, हाँ, शी पुट ही पुट द मैसेज कि ही फीलिंग अन हेल्दीनेस ड्यू टू कॉफ, और मैं चाह रहा था कि कुछ क्वेश्चन अगर उनके होते तो ठीक है। चलिए थोड़ा, सॉरी मैम, प्लीज कंटिन्यू। तो अब इनकी जहां तक बात है, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा ल्यूक्रेटिव इनका बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, और वो एब्रप्टली जेल में आ गए हैं। तो उनको पहली बात तो ये परसुएड करना कि उनको ये फील हो कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो इसमें तो पांडे जी बहुत बड़े बड़े पॉलिसी चेंजेस जो हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड हैं, तभी हो सकेगा। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि जेल में जो अब हालात होते जा रहे हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम की जेलें तो रह नहीं गई हैं। अब बहुत ज्यादा रिफॉर्मेशन की वजह से आपको पता है कि इंडिया में इतनी गरीबी है कि छोटे छोटे पेटी क्राइम्स करके लोग जेलों में आ रहे हैं। यू वोंट बिलीव, लेकिन अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो छोटे छोटे क्राइम्स करके लोग जेल में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें कंबल मिलेगा, उन्हें 2 वक्त का खाना मिलेगा, उन्हें चाय मिलेगी, यू नो, और अगर किसी बड़ी बीमारी में वो पड़े तो उनका इलाज भी होगा गवर्नमेंट की कॉस्ट पे और सिक्योरिटी में। तो दिस इजंट इट सरप्राइजिंग, तो ये हालात हैं जेलों के। तो स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड की बात ये है कि ऑलरेडी जो एक बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस में है, हमारी जेलों में हम क्या सिखा रहे हैं? हम लोग सिखा रहे हैं कारपेंट्री, हम लोग ज्यादा से ज्यादा एलईडी बल्ब की असेंबली सिखा रहे हैं, या हम कपड़े बुनना सिखा रहे हैं, या कपड़े सिलना सिखा रहे हैं, या हम पॉटरी, जैसे अभी हमारे जो
जेल मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने पॉटरी को बहुत ज्यादा ऑगमेंट करने के लिए कहा है, तो पॉटरी सिखा रहे हैं, यू नो, इसी ओके टाइप के छोटे लो प्रोफाइल ट्रेड्स हम उन्हें सिखा ओके रहे हैं। अब हम इन साइबर क्रिमिनल्स को कौन सा ट्रेड सिखा सकते हैं कि वो सोचें कि अच्छा ये हम ये बिजनेस छोड़ के इस बिजनेस में आ जाए। ये एक इसके लिए मैमथ लेवल की ब्रेनस्टॉर्मिंग हर पीपीपी मॉडल पे ये करनी पड़ेगी, अदरवाइज इनके रिफॉर्मेशन के लिए हम लोग भूल ही जाएं। ये और आप लोग जो मैडम अभी तक जो चल रही थी बातें, सॉरी टू इंटरप्ट, वे उन लोग क्रिमिनल के लिए था जो स्किल्ड नहीं थे, वो जा रहे हैं, बिल्कुल तो उसको बिल्कुल आप कुछ भी काम सिखाओ वो सीख लेगा, क्योंकि किसी काम में सीखेंगे, स्किल्ड है नहीं और उसे बिल्कुल किसी भी काम का इंटरेस्ट नहीं था। अभी बिल्कुल अगर मेरे को आप बोलोगे कि आप कारपेंटरी करो पांडे जी, अगर आपको जेल जाने की नौबत आती है और आप बोले कि पांडे जी आप कारपेंटरी करो, तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मुझे अगर कुछ बिल्कुल करना होगा तो मुझे पढ़ने और लिखने का है, तो अगर मुझे आप किताबें नहीं देंगे तो नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर इस तरह के कोई बंदे अंदर जा रहे हैं और उन्हें कारपेंट्री कराएंगे, तो वो तो ना तो कारपेंट्री सीखना चाहेगा, क्योंकि उसका ध्यान तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ओर है, जो लोग हैं सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। तो मैडम आई नहीं है, हम लोग चाह रहे थे कि अगर वो भी देवर्ती हल्दर जी भी आ जाते तो हम इस बात में करते कि, क्योंकि शायद इस तरह के जो साइबर क्रिमिनल्स आ रहे हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है प्राइवेट में वो भी कम है, एनजीओस इस फील्ड पे काम करने वाले काफी हैं। आपकी भी जानकारी में शायद ही होगा कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके लिए कोई एनजीओस भी रिहैबिलिटेशन के लिए या उनके स्किल को डेवलप करने के लिए काम कर रही हो पॉजिटिव साइड पे, ऐसे ध्यान पे नहीं आते हैं। तो प्रश्न मेरा यहाँ पे उठेगा इस चीज के लिए कि क्या कोई करेक्टिव मेजर है, अगर ये लोग कोई जेल के अंदर में जा रहे हैं तो इनकी जो स्किल्ड है, जो इनकी नॉलेज है, जिसपे इनका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट की ओर इनको काम दिया जाए, इनके ब्रेन का और इनके माइंड का उपयोग किया जाए। यस डेफिनेटली, जो अभी आपको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन ये करना चाहूंगी कि अभी आपने कहा कि पांडे जी अगर आते हैं कि उनको कारपेंट्री सिखाई जाए तो वो बुक्स पकड़ना ज्यादा बेहतर समझेंगे, वो कारपेंट्री क्यों सीखेंगे, बात इंटरेस्ट की नहीं है, क्योंकि पांडे जी एक पर्टिकुलर इनकम स्ट्रेटा से आते हैं। हमारी जेल में जो प्रिजनर्स आते हैं कुछ भी स्किल नहीं है उनके पास, लेकिन कारपेंट्री इस सीख रहे हैं क्योंकि उनके घर में इतनी गरीबी है कि उनको उनको एट द एंड ऑफ द मंथ जो मिलेंगी वो अपने घर में भेजेंगे या अपनी जेल की नीड्स को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी वो कर सकते हैं, इसलिए वो उस काम को सीखते भी हैं और वो उस काम को विलिंगली करते भी हैं। अब हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर को मैम 80 रुपीज पर डे, अभी अभी ये रिवाइज हुआ है बहुत सालों के बाद, तो 80 रुपीज पर डे मिलता है। अब आप 80 रुपीज के हिसाब से सोच लीजिए कि उसको 30 डेज में जो मिलेगा और एट द एंड ऑफ द मंथ उसको उस अमाउंट में से 15% विक्टिम कॉम्पेंसेशन के लिए डिडक्ट करते हुए मान लीजिए कि उसको 1200 1500 कुछ रुपए मिले, 1800 2000 कुछ उसने कमा लिए डिपेंडिंग अपॉन कि उसने कितने महीने कितने दिन काम किया है। 2000 रुपए में उस गरीब का तो काम चल सकता है, उसको तो हम मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप इससे साइबर क्रिमिनल्स का जरा वो करिए कि कंपैरिजन कि उनको किस लेवल का एक्सपेक्टेशन है, वो क्यों इस चीज को सीखना चाहेंगे, क्योंकि उनकी एक माउस की क्लिक या कंप्यूटर पे मोबाइल पे उन्होंने उसको दबाया बटन तो वो कितना पैसा किसी के आपके अकाउंट से हैक कर सकते हैं, तो वो 2000 रुपए में उनका क्या काम चलने वाला है। तो उनको मोटिवेशन का लेवल जब तक बहुत हाईली प्रॉफिटेबल नहीं दिखेगा तब तक उनको मोटिवेट करने का कोई, हम लोग जेल में क्या करते हैं बस यही है कि उनकी सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा उंगली कर देते हैं कि भाई ठीक है हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, हम तुमसे बात करते हैं, हमारे ऑफिस में आओ, चलो ठीक है हमने तुम्हें ये काम दिया कि तुम ये काम कर लो, तो उनको एक अच्छा लगता है कि चलो भाई ठीक है ऑफिसर्स के साथ बात करने का मौका मिल रहा है। पढ़े लिखे लोगों की कंपनी में है, जेल में जो है जाहिल गवारों की आपसी लड़ाई हमको किच किच नहीं सुनाई पड़ रही है ना, तो ये चीज बस उनको मोटिवेट करती है, बट लेकिन वो बस जेल में होने तक, बाहर जाके जब तक कि कोई प्रॉपर पॉलिसी चेंजेस नहीं होंगे इनके लिए, जैसे कि अब आप साइबर क्रिमिनल्स हो तो आप साइबर सिक्योरिटी मैन बनो, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था इस तरीके के कोई जॉब्स ऑफर नहीं होंगे, उनकी इस स्किल को अगर हम टेक्निकल यूज को जो है जुडिशियसली और रिस्पॉन्सिबली यूज करने के लिए मोटिवेशन नहीं आएगा पब्लिक की तरफ से गवर्नमेंट पॉलिसीज की तरफ से, तब तक मुश्किल है मैम।
बिल्कुल मैं मुश्किल है। और बिल्कुल मोटिवेशंस का भी होना चाहिए। एक और मोटिवेशन ये हो सकता है कि व्हेन दे गो आउटसाइड, तो कुछ लोग ऐसी एनजीओ आए सामने कि अगर बहुत अच्छा साइबर उसके अंदर नॉलेज है तो वो उसको कुछ, अगर उसके पास डिग्रीज नहीं है सपोज, ऑलरेडी वो कोई टेक्नोक्रेट नहीं है, तो वो उसके ये हो कि डिग्रीज में एडमिशन मिलना उसके लिए थोड़ा इजी होगा, तो वो उसको ये लगेगा अच्छा ठीक है कि मैं एमसीए कर सकता हूँ, बीसीए कर सकता हूँ या एमटेक कर सकता हूँ, लाइक एग्जैक्टली व्हाटएवर यू नो, तो बीएससी मैं टेक्नोलॉजी कर सकता हूँ, कंप्यूटर साइंस कर सकता हूँ, एमएससी कर सकता हूँ तो, या कर सकती हूँ, तो ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव उनके लिए हो सकता है। हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं कि भाई तुम अगर चाहो, अगर तुम बेसिकली क्रिमिनल ही नहीं हो गए हो तो तुम अगर सुधरना चाहो तो देयर आर रेवेन्यूज, पढ़ना चाहो क्योंकि तुम उस एज ग्रुप में फॉल इन करते हो, यू कैन ऑलवेज फर्दर स्टडी, तो बात केवल इसी का, इसलिए मेरा ये जी क्वेश्चन था हर्षिता जी, क्योंकि जो आते हैं क्रिमिनल साइबर के, उसमें बहुत सारे जो मेरे नॉलेज में है वो बहुत सारे अर्ली एज के होते हैं, 18 साल जी से लेके 25 साल के बीच के होते हैं, और उसमें से बहुत से लोग सिमिलर ग्रेजुएट होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग 12th पास होते हैं। क्योंकि अभी जी 2 साल पहले जब हमारे रायपुर में कुछ पकड़ाए थे साइबर क्रिमिनल, जी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, उस समय हमारे यहाँ पे सुप्रिंटेंडेंट पुलिस थे दुर्ग में, तो हमने देखा तो बहुत यंग एज के लोग थे, और उसमें कुछ 12th के थे और एक दो लोग ग्रेजुएट थे, कुछ लड़कियां भी थी। तो ऐसे लोगों को एकेडमिक की ओर हम अगर डाइवर्ट कर पाते हैं तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि वो जो आए थे वो कहीं बिल्कुल ना कहीं मजबूरी पे आए हुए भी लोग रहते हैं, उनको पकड़ के लाया जाता है, कॉल सेंटर के रूप में काम करवाया जाता है, और जब तक उनको मालूम चलता है तब तक वो साइबर क्राइम के दलदल में घुस चुके होते हैं, जैसा कि जनरल और किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम में होता है। डॉक्टर शुभ्रा जी, कुछ क्वेश्चन आप कर रहे थे हाँ, तो मैं ये कह रही थी करेक्टिव मेजर्स में एक वर्ड है क्लासिफाइड ट्रीटमेंट, और मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ हर्षिता को। आई वाज विजिटिंग तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल की लाइब्रेरी बहुत बड़ी बढ़िया लाइब्रेरी, यहाँ की बाहर के स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स भी पढ़ने जाते हैं, दे आर नॉट क्रिमिनल्स। वहां पे एक लड़का मिला, ही वॉज स्टडिंग इन द मिडवे, वो ट्राइड हुआ, कन्विक्टेड हो गया, सब कुछ है, एंड ही स्टूड फॉर आईएएस, और वो आईएएस में रिक्रूट हो गया। यस मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि उसके जो क्रिमिनल बैकग्राउंड जो होता है स्टिंचर, वो क्या उसके आईएएस के सिलेक्शन में परिप्रमण करेगा? सो टू आईजी प्रेजेंट, मैं जब एनआईसीएस में थी, हमारे रेगुलर टूर लगता था तिहाड़ जेल, ही सेड कि हम लोग, वो लड़का इतना रिफॉर्म्ड हो गया है, आईएएस में उसका सिलेक्शन हो गया है, तो उसका जो बैकग्राउंड है उसका हम हटा देंगे, एंड यू नो नोइंगली, जानते हुए कि उसने मर्डर किया था, जानते हुए जो उसने किया, बट बिकॉज ही स्टूड आउट इन आईएएस, ही हैड अ टेन्योर कंप्लीट ऑफ पनिशमेंट, कंपनी से भी उसके लिए ऑफर आ गया, तो जाओ, ऐसे बहुत केसेस इंस्टेंसेस सेंट्रल जेल्स में मिलते हैं। तो मेरा यही था सुझाव, एक सजेशन कहोगे, एक यू नो ओपिनियन टेकिंग कहोगे, कि ये जो अगर एज ग्रुप हम देख लें और ये बेकार में बैठे बैठे और भी सीख रहे हैं कहीं, इफ इनको जैसे मैंने कहा ना, अगर इनका रुचि नहीं है पढ़ने में तो कुछ गार्डनिंग करो, और नहीं तो जो कह रहे हम पढ़ना चाहते हैं पढ़ाई नहीं हो पाई तो पढ़ने दो, तो माइंड डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, हट जाएगा वहां से, ये मेरा था। नहीं, बिकॉज बिल्कुल अंडर यही अंडर ट्रायल्स को आप यही करा सकते हैं और कुछ नहीं। करा सकते हैं मैम, वेरी ट्रू। और ऐसा अभी आपने, ये तो आपने तिहाड़ का एक मेंशन किया, अभी 2 दिन पहले हमारे यूपी में एक प्रिजनर था इसी तरीके से, वो जेल में था और उसको 12 साल उसने अपनी लाइफ टर्म काट ली थी, लेकिन लाइफ टर्म के दौरान ही डिड हिज एलएलबी, यू नो, थ्रू इग्नू, एंड देन थ्रू हिज लॉ नॉलेज उसने अपने आप को प्रूव कर लिया कोर्ट में दैट ही वॉज इनोसेंट, और इट्स वो अ रिलीज वंडरफुल हो केस गया। फॉर मी टू डिस्कस, बहुत बढ़िया। अभी 2 दिन पहले की बात है, ये यूपी की जेल्स की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो नॉलेज इज, यू नो, अब उसमें फिर हम लोगों को और दूसरी लाइन में हम लोग चले जाएंगे, इसका मतलब कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कहीं फ्लॉज हैं, हम लोग ठीक से उसका केस रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है, या टाइम से, यू नो, सो मेनी थिंग्स विल, सारे सवाल हम लोग करते भी हैं। तुमको जो पढ़ना है, तुम्हें अगर इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़नी है तो वी प्रोवाइड देम, तुम्हें अगर धार्मिक किताबें पढ़नी है वी प्रोवाइड देम,
तुम्हें अगर इग्नू के थ्रू कोई कोर्सेस करने हैं तो वी प्रोवाइड देम, वी डू इट, तुम्हें अगर करने की इच्छा है। मगर ये है कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स की बात करें तो इनके अंदर पढ़ने का बहुत ज्यादा चाव होता है, और हम इस चीज को टैप कर सकते हैं मैम, पढ़ने के लिए कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन बाहर जाने के बाद क्या, जो जेल में रहते हुए वो कर लेंगे वो ठीक है, अपने इंटरेस्ट से कर लेंगे। और यही यही स्ट्रेटा करता भी है मैम, जो ये लोअर स्ट्रेटा आता है, जो 40 साल का एक बुढ़ा आएगा, अगर वो मान लीजिए 12th भी पास किया, अगर हम उसे कहते हैं कि आप इग्नू के थ्रू आप रजिस्टर करो, आप ग्रेजुएशन करो, ही विल नॉट बी मोटिवेटेड। वाई? बिकॉज वो कहता है कि जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे अगर जेल ही काटनी है तो मैं उतना ही भला हूं ना आपकी जेल के लिए। आप ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद हमें छोड़ तो नहीं रहे हो ना, पढ़ने का क्या मतलब है? अब ये इतना वैलिड पॉइंट है कि उनको हम कुछ जवाब नहीं दे सकते कि सही बात है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिलीज देन व्हाट इज द मोटिवेशन। तो लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है हर्षिता प्रोबेशन सिस्टम की, यस द फॉलो अप आफ्टर द पर्सन लीव्स द जेल, वेदर इज अंडर ट्रायल और वेदर इज अ कॉन्विक्ट, अगर यस फॉलो अप ठीक रहे, प्रोबेशन सिस्टम ठीक रहे, द पर्सन विल नॉट गो बैक टू क्राइम। Yes, वही हमारा definitely. For लैकिंग। that, probation system has to be rectified, modified, and you know what not to say. एक gigantic, overwhelming उनका overhaul जरूरी है मैम। Otherwise, jails में really, क्योंकि public का भी बहुत concentration रहता है, so many like India Vision Foundation, मैम डॉक्टर बेदी की जो organization है, that is NCR region में, वो बहुत effectively काम कर रही है। एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है प्रिजन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बट बहुत सारे एनजीओस केवल कुछ कंबल बांट के, कुछ कपड़े बांट के चले जाते हैं, बट दे आर नॉट इनटू कि उनको हम कुछ लीगल हेल्प प्रोवाइड करा सके, या एजुकेशनल हेल्प, या उनके आफ्टर रिलीज उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कोई काम करा सके। इस फील्ड में बहुत सारे लोग अभी आए नहीं है, तो उसका तो खामियाजा हम इन प्रिजनर्स को भोगना पड़ ही रहा है। बट देन ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड है, प्रोबेशन का जो टेन्योर है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को ही देखना पड़ेगा। देखना होता है यार। नेक्स्ट टाइम आप किसी प्रोबेशनरी ऑफिसर को भी बुलाएं तो वील ट्राई टू आई थिंक सो, जरूर वी जरूर हैव टू। एक कोशिश आगे करेंगे कुछ विराम करने के बाद में, क्योंकि लगातार चल रहा है चीज हम लोग ये करते हैं, जैसे कुछ बंदे जो पढ़े लिखे हैं, अगर वो फेसबुक अकाउंट या इंस्टा अकाउंट है, तो हम लोग रिलीज के बाद उन वो अगर हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम उसे एकदम एक्सेप्ट करते हैं तुरंत, जी विदाउट थिंकिंग कि वो हमारा प्रिजनर था, इसलिए कि हम उसकी वेलबींग का पता करते रहते हैं, उसको एक टीचर की तरह, एक गाइड की तरह हम उसको गाइड भी करते रहते हैं कि हाँ ठीक है बेटा, कैसा चल रहा है आपका फैमिली लाइक जॉब तो है एक शादी। महत्वपूर्ण बात अगर मैं आज इस प्रोग्राम के समझो, हर्षद जी ने एक अच्छी बात कही कि पूरे प्लेटफॉर्म में हम जितने भी एपिसोड कर रहे थे वहां एक बात चल रही थी कि साइबर क्राइम के प्रति एक अवेयरनेस की आवश्यकता है, लोगों को अवेयर करें। बट आज एक बात आ रही है कि एक एजुकेशन की भी, प्रॉपर एक एजुकेशन की भी आवश्यकता है, और उन लोगों को भी आवश्यकता है जो जेल से बाहर आ रहे हैं, जिन्होंने साइबर क्राइम किया हुआ है, और क्रिमिनल नहीं बोलूंगा मैं उन्हें अभी, क्योंकि कई लोग ट्रायल पे रहते हैं, फिर जमानत पे बाहर आएंगे तब जाके प्रूव होगा। बात तो यह है कि बेल से बाहर आने के बाद जब तक वो क्रिमिनल प्रूफ नहीं हुए हैं तो एक सामान्य आदमी है, अब उनको सही वे में केयर करने की जरूरत है। जो आप कह रहे थे कि अभी इन्फेंट का एज है, तो जो क्राइम करके अंदर गया है वो एक इन्फेंट था, जेल से बाहर आएगा तो एडोलसेंस एज पे आ जाएगा, तो बिगड़ने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। तो उस कंडीशन पे चाहिए कि उन्हें कुछ एजुकेट किया जाए। तो थोड़ा सा इस चीज को भी आगे समझने का है और गवर्नमेंट से चर्चा भी करने की आवश्यकता है। आप लोग इस फोरम पे आए हैं और बहुत अच्छा डाटा मेरे पास में इकट्ठा हो चुका है, 12 एपिसोड कम नहीं होते हैं, और छत्तीसगढ़ ऑलमोस्ट 23 साल का हो गया है, तो अब वो एडोलसेंस पार करके यूथ हो रहा है, अच्छा खासा यूथ बन के सामने आएगा, नई गवर्नमेंट आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के सहयोग से जो ये प्लेटफॉर्म हुआ, डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, मधुलिका जी, तो मैं इस पूरे डाटा को नई गवर्नमेंट, जो नए होम मिनिस्ट्री आएंगे, जो यहाँ के अजेरिया जी होंगे, उनके बीच में रखूं। मैं अभी जब आ रहा था, जब आपका फोन आया मैडम, एक अभी एमएलए है उन्हीं के साथ बैठा हुआ था, तो मेरा यही बात था कि एक प्रोग्राम है मेरा, तो बोले मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ पांडे जी,
तो मैंने कहा आज 7 बजे भी है, बोले रिकॉर्डिंग देखूंगा यार। तो मैंने कहा ठीक है रिकॉर्डिंग देखना है, बट अगली बार जब गवर्नमेंट बनेगी और आपके मिनिस्टर बनेंगे तो एक प्रोग्राम आपको एक करना होगा जिसपे हम इन देखिए चीजों का जामताड़ा तो प्रयोग। वही है, जामताड़ा तो वही है, पड़ोस है हमारा, इस इज फ्रॉम झारखंड, और हम अभी छत्तीसगढ़ में हैं। छत्तीसगढ़ में क्या है स्टूडेंट मैडम, एक बात कर लो कि पहले मुझे कोई मैसेज किए थे मिस्टर तुहिन कुमार घोष हैं, इन्हें कोई सर्टिफिकेट हाँ हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। सर हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराते हैं अपने प्रोग्राम की, ये प्रोग्राम एक चर्चा का प्रोग्राम है, आप यहाँ पे बैठे नॉलेज ले, लोगों से बातचीत सुने और इसको स्प्रेड करें। सर्टिफिकेट देने का काम और अभी ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है कि मैं सर्टिफिकेट दे पाऊं, मैं लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहा हूँ, लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। तो और वो जो लोग आ रहे हैं, बहुत जल्दी ये वीडियो फिर से फेसबुक और यूट्यूब पे आ जाएगा। पुराना वीडियो मैं देखता हूँ, मंडे तक सारे वीडियोस को मैं अपलोड कर दूँ। तो मैडम ये वीडियो के लिए बिहार के पुलिस, सॉरी पांडे जी, आएंगे, बस बिहार इतना के कहता पुलिस हूँ। जो ऑफिसर मैडम का जो क्वेश्चन एक था कि पड़ोस, मैडम जो क्वेश्चन था कि जामताड़ा पास में है, मैडम ये जो छत्तीसगढ़ है हाँ ना, हाँ ये 5 राज्यों को छू रहा है और ये बहुत अच्छा प्लेस होता चला जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमको डर लगता है छत्तीसगढ़ में, जब कभी सबसे शांत एरिया हुआ करता था, पीसफुल एरिया था, अब धीरे धीरे इस एरिया में भी क्राइम के स्टेटस बढ़ रहे हैं। और ना केवल हम ड्रग्स की बात करें, जब ड्रग्स ट्रैकिंग की बात हुई तो भी मैंने चिंता की जाहिर की थी कि यहाँ ड्रग ट्रैकिंग बढ़ रहा है। नक्सलिज्म आप लोगों को मालूम है, हम छत्तीसगढ़िया नक्सलिज्म के लिए जाने जाते रहे पूरे देश और विश्व में, रायपुर आने पे लोग डरते हैं। इसके बाद में अब जो नया तरीका आ रहा है, जब महादेव ऐप की बात आ गई है, तो अब लगता है कि नहीं साइबर क्राइम पे भी छत्तीसगढ़ अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। तो ऐसे में मुझे इस प्लेटफॉर्म में बैठकर के चिंता जाहिर करनी पड़ती है और इसीलिए मैं अवेयरनेस के प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूँ। भोले भाले राज्य का एक निवासी है हम लोग छत्तीसगढ़िया, और एक स्लोगन दिया कि बिल्कुल छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन कहीं ना कहीं फिजा खराब हो रही है। और धन्यवाद डॉक्टर शुभ्रा जी, जब आपने इस प्रोग्राम को चालू करवाया और एप्रिसिएशन मिल रहा है, मैं जल्दी ही इसका पूरा एक कंपोजियम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैडम आ रहा हूँ मैं, ये बातें कंप्लीट करके मधुलिका जी आशी के पास आऊंगा, क्योंकि जानकारी देना है इस प्रोग्राम के बारे में। डॉक्टर हर्षिता जी, मैं आपसे भी, हर्षिता मैडम आपसे भी चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में अपने विचार और जो भी चाहते हैं वो लिख के भेजिएगा, हो सके तो व्हाट्सएप पे ही भेज दीजिएगा, ताकि मैं इसकी छोटी सी बुकलेट तैयार करने वाला हूँ, जितना कोशिश हो पाएगा मैं करूंगा। और मैं बिल्कुल छत्तीसगढ़ में तो उसके प्रिंट कॉपी करवा करके कुछ प्रमुख जगहों पे देने वाला हूँ, आज ही बात हुई है। और हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ होम मिनिस्टर बनेंगे उनके साथ मिलकर के जितने भी प्रमुख जगहें हैं, जो हमारे यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे यूथ जाते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज है, आई हैव टॉक विद हमारे यहाँ और विद आवर गवर्नर ऑल्सो, और गवर्नर साहब के जो प्रमुख सचिव हैं उनसे भी हमने बात करी है। तो उन्होंने कहा यस मिस्टर पांडे आप देना, मैं इसको एश्योर करता हूँ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, देयर इज नियर अबाउट 69 यूनिवर्सिटीज इज देयर इन छत्तीसगढ़, बोले मैं सारे यूनिवर्सिटीज के वीसीज को बुला करके ये कॉपियां उनके यहाँ उपलब्ध करवा दूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे अपना भेजिएगा ताकि वो संदेश को, उन विचारों को हम उस पर पुट अप कर सके, अलॉन्ग विथ योर फोटोग्राफ प्लीज। थैंक यू, आई विल अभी श्योरली डू तक दैट। राइट, मधुलिका मैडम मैं आपके पास चलता। मैं बस हर्षिता मैडम के साथ एक ये कहना चाह रही थी कि हमने सारी उनको एजुकेशन और वो सब बात करी। पहले अगर उनको याद हो, हम स्कूलों में मॉरल साइंस पढ़ाया जाता था हमें। अब वो मॉरल साइंस वर्ड ही गायब हो गया, कहीं भी नहीं है। तो अगर वो क्योंकि आप उनको कितना भी पढ़ा रहेंगे, जबकि उनकी मॉरलिटी नहीं इम्प्रूव होगी, तो आप उनपे फेथ पे जा ही नहीं सकते। उनके फेथ, हाउ टू डेवलप अ फेथ इन दैम। तो उस पॉइंट को मैं जरा सा हाईलाइट करना चाह रही थी कि वो योगा और जो भी मेडिटेशन है, जो हम पहले भी कह रहे थे, ये तो मस्ट है। और मॉरल साइंसेस को लेके कुछ हमारे जैसे वेदांत में और इसमें लिखा है कि कर्म कैसे इंपॉर्टेंट है, आप क्यों कर रहे हो, इस तरह के करने से क्या उसका इफेक्ट होगा, थोड़ा सा तो एक उनको नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि हम कर्म के बारे में बड़ा अवेयर होते हैं बहुत मैच्योर होने के बाद में। पहले तो पता नहीं बिल्कुल क्या क्या कर लेते, अमरूद भी तोड़ के चोरी करके खाने में ही आनंद आता बिल्कुल था। बिल्कुल, हम तो सबने वो किया सब है बचपन चीज। में, ऐसा नहीं, हम सबने बचपन में किया है। आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट उठाया है और ये बात मैं कहने से रह गई थी, अच्छा कि आपने इस चीज को रेज किया। यहाँ पे ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बाहर हमारे
जैसे एनआईसी है फॉर इंस्टेंस, एनआईसी है, अब वो पूरे कंप्यूटर टेक्नोक्रेट्स को ही वो नौकरी देते हैं, आप एक तरीके से इस तरीके से समझिए, तो वो उनकी अपब्रिंगिंग और ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इनकी अपब्रिंगिंग में बेसिकली एक ही डिफरेंस है, और वो है इंटरवेंशन का। इंटरवेंशन मतलब आपका गाइडेंस, कि उनका अगर आप बैकग्राउंड देखिए तो उनके यहाँ पेरेंटल इंटरवेंशन या टीचर्स का इंटरवेंशन या गार्जियंस का क्लोज वॉच कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, या जो आपने योगा और कर्म की बात की या जो भी अच्छे संस्कार देने की बात की, ये घर से भी आता है मैम, इस जो मेच्योर नहीं, एज में आई एग्री, आता घर से एक वो पार्ट एक है, लेकिन मैं कह रही थी मतलब वहां पे जो आप है। हाँ क्वालिफिकेशन, हम उस इनसाइड जेल की बात बिल कर रहे थे, तो बिल नहीं वो वो भी रेलिवेंट है, थोड़ा वो रेलिवेंट है वो, अगर अब योगा की जहां तक बात है, या अगर हम इन नर्ड्स को कहेंगे कि तुम योगा करो, दे विल ग्लैडली डू, क्योंकि वो उनकी फिजिक को बढ़िया रख रहा है, अच्छा कर रहा है, दे विल डू इट, उसमें वो गेम्स खेल ही रहे हैं, मैंने आपको बताया, और हम योगा भी नहीं, कराते मेरे हैं। दिमाग में ये पॉइंट क्यों आया, आपने कहा ना हम उनको अपने, हमारे भी वाईफाई है, इंटरनेट है, तो हम उनको एक्सपोज तो कर रहे हैं, पर डर लगता है, तो उसको हाँ डर को हटने के लिए वी हैव टू इम्प्रूव देयर मॉरल, कि भाई आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, उसे डेविएट मत करो, और उस मतलब कैसे भी उनकी मॉरलिटी बढ़ानी है, उनको फेथ, उनको स्ट्रांग, इनर स्ट्रांग बढ़ाना पड़ेगा. मैम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी, अवेयरनेस पब्लिक में भी इस बात को लेके बहुत जरूरी है, प्रिजेंस से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली जिस बच्चे को उसकी माँ कभी कान खींच के संभाल नहीं पाई, उसको हम लोग प्रिजन ऑफिसर्स बिना एक डंडे के, बिना एक उंगली लगाए उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आपकी गली में अगर एक गुंडा होता था तो पूरा आपके मोहल्ले की जो है पीस जो है पूरी एट स्टेक खराब हो होती। जाता अब आपके सारे मोहल्लों के सारे गुंडे हमारी जेल में एक जगह पे इकट्ठे हो गए, अब आप सोचिए कि उनके ऊपर ये, अगर हम मॉरल्स की बात करेंगे तो वो अब ये बच्चे और ये जनरेशन यही देखती है कि उतनी ही मॉरलिटी एडॉप्ट करो जितना कि वो हमारे लिए एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस भी हो। विदाउट एनी ल्यूक्रेटिव बिजनेस वो जो हमारा गरीब बंदी है ना, आप सोचिए कि अगर कोई एनजीओज ऐसे आते हैं या कोई प्रवचन वाले सत्य साई या ब्रह्म कुमारीज या श्री श्री रविशंकर की ऑर्गेनाइजेशन सपोज कीजिए आती है जेल में, तो गरीब प्रिजनर्स भी देखते हैं कि इनके साथ कोई डब्बे वब्बे हैं क्या, मतलब अमरूद बांटेंगे ये, या कि केवल लेक्चर देके चले जाएंगे, उनका मन नहीं लगता है ना। वो कहते ना भूखे भजन ना होए गोपाला, एक हार्ड क्रूअल फैक्ट, वी कैन नॉट डिनाई दैट, ये घर से आना होगा, माओ के कान खींचे जाने की जरूरत है कि आप क्या कर रही हैं, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं आप लोग, आप योगा और ये ठीक है हम कर रहे हैं, दीज आर ऑल करेक्शनल थिंग्स, लेकिन उसका कितना इम्पैक्ट होगा, कितनी देर होगा वो, अगर मैम के फेस वैल्यू पे वो बिल्कुल मैम बिल्कुल हाँ बिल्कुल मैं बदल गया, ये आप जैसा कहेंगी आप मेरा ट्रैक रखना मैम बिल्कुल, हम आपको कभी दोबारा जेल में नहीं दिखेंगे, बट वॉट दे आर डूइंग वी डोंट हैव एनी एक्सेस टू इट अनटिल अनलेस दे डू इट ऑन देमसेल्व्स, राइट वो खुद हमसे कांटेक्ट में रह के बताएं, ये है हार्ड फैक्ट है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सोसाइटी बिल्कुल कैन नॉट बिल्कुल डिनाई इट्स रोल। आप जो कह रहे हैं सही है, और मुझे कहा ये बात भी सही है कि ये जो सारा जो गेम है ना मैडम, माइंड का है, और बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आप यहाँ बैठे हैं, और जब मैं न्यूरो लिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ, माइंड के ट्रेनिंग पे जब एनएलपी की बात करते हैं, तो एनएलपी में कहते हैं ना कि माइंड जो है दो ही बातें समझता है, या तो आप डर दिखा दो या उसको लालच दिखा दो बस, और जो क्राइम हो रहा है सबके पास है, जब मैडम आप एज ए साइकोलॉजिस्ट और आप एज ए जेल सुपरिंटेंडेंट पुलिस, जब आप देखते हैं लोग दो ही प्रकार से क्राइम कर रहे हैं, कोई शौक पे नहीं करता, या तो वो डर से कोई क्राइम करके आ रहा है या किसी लालच से क्राइम करके आता है, तो सुधार की भी बिल्कुल प्रक्रिया दो ही हो सकती है, या तो डर बिल्कुल दिखा दिया जाए या फिर उसे लालच दिखा दिया जाए, तो कुल मिलाकर रोटी बात ये आती है मैडम। और आज की प्रोग्राम को भी हम अपन यहाँ पे समाप्त करने की करेंगे कोशिश, डॉक्टर सुब्रत शानल जी मैं आपके पास आऊंगा, और इसके बाद में कुछ दिनों का मैं थोड़ा सा आप लोग से क्षमा चाहूंगा सुब्रा मैडम जी, जब तक मेरे यहाँ गवर्नमेंट रिफॉर्म नहीं हो जाती है, जब तक मेरे और नहीं जाते हैं, मंत्रिमंडल नहीं बन जाता है, तो थोड़ा सा इसको रोकेंगे, फिर एक बड़ा सेमिनार, वन डे का सेमिनार करेंगे। अर्चिता मैडम आपके ग्रुप में शामिल किया मैंने, मेरे प्रोग्राम और मेरे ग्रुप का नाम है लाइफ कैंपस, मेरा फोरम है, बट मैं इस तरह के प्रोग्राम को ले आता हूँ, उसका नाम दिया है मस्तक पर दस्तक,
क्योंकि कहीं ना कहीं बात पूरा लोचा जो है ना आपने दी है, कहीं आज आपने मस्तक पर दस्तक दे रहे हैं आप, ऐसी बात नहीं है, आपने मस्तक दिए कहीं हैं। और बहुत मजे की बात यह हो चुकी है कि अब रायपुर के अंदर भी मुझे लोग बहुत से नाम से नहीं है। मेरा पुराना जो आइडेंटिटी था, मेरा जो पुराना प्लेटफॉर्म था, उस पे लोग कम याद कर रहे, बोले अच्छा मस्तक पे दस्तक कैसा चल रहा है। तो उस ग्रुप पे हम चलेंगे। और मैंने अभी अपनी टीम को बोला है, ये जो लाइव कैंपस यहाँ पे लगा है ना, बहुत समझ पे नहीं आता, ये तो ज्ञान की बातें समझ में आ रही है, इसका लोगो थोड़ा सा चेंज कर दो यार, इसका मस्तक पे दस्तक लगा दो, तो थोड़ा सा ये प्रोग्राम और अच्छा चलेगा। तो 15 दिन का शायद कुछ टाइम लेंगे मैडम, फिर एक वनडे सेमिनार करेंगे मैडम। मैं लिंक आपको भेजूंगा, डॉक्यूमेंट पूरा भेजूंगा। उस दिन मैडम एक स्पेशल टाइम ड्यूरेशन रहेगा, कुछ स्पेशल बातें रहेंगी आपकी, जो इस पूरे प्रोग्राम का एसेंस होगा, इस पूरे प्रोग्राम का सार होगा। तो हम कोशिश करेंगे सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक एक सेशन करने के लिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, उसमें जरूर आएंगे। आज के कंक्लूड के लिए फिर से डॉक्टर शुभ्रा सान्याल के पास। थैंक यू, आपने जो है मेरे माइंड को पढ़ लिया और मैंने डिस्कस किया, ये बहुत बढ़िया सजेशन है एंड इट्स अ वेरी गुड आइडिया पांडे जी, कि हम लोग जो इतने सेशंस, हमें लगता है 11 हो गए होंगे, 11 सेशंस आज या नहीं बारह रखूंगा, सेशंस हो गए हैं। नाउ आज मैं हाँ 1 दर्जन कंप्लीट हो गया, एक दर्जन पूरा हो गया, 12 ज्योतिर्लिंग हाँ के दर्शन करवा दिए एक दर्जन आपने। पूरा हो गया। हाँ हमें लगता है आज तक कोई इतने लोग पकड़ के नहीं चले, हम लोग भी ऐसे जिद्दी हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं और हम लोग करते रहे। तो ये आपका जो सुझाव, ये भी बहुत बढ़िया है, हम लोग भी रेस्ट लें, उन लोग जो सुनते सुनते बोर रह रहे हैं उनको भी रेस्ट दें। और इरादा प्लान क्या है पानी जी, कि दिसंबर के एंड या जनवरी के नए साल में एक गिफ्ट दें समाज को। वो गिफ्ट क्या है? एक सेमिनार। सेमिनार में हम लोग इनको बुलाएंगे जो लोग हमारे बीच में आए हैं, अपना आइडियाज दिए हैं। मेरा उद्देश्य ये है पानी जी कि जितने भी आइडियाज आए हैं इसको समेट के एक कंक्लूडिव, एक अक्यूमुलेटिव सेमिनार बनाए, भले ही कुछ लेंदी हो जाए किंतु लोग सब वहां पे आ जाए, जिन लोगों ने हमें सुना नहीं अभी तक या सुन के भी अनसुना कर दिया, हम लोग उनको जो है, इसको हम कह रहे हैं, एक नाम दीजिए पांडे जी, हम लोग कटन रेजर एक जगह कहते हैं, मैं आज मधुलिका से भी बात करी थी, कटन रेजर होता है जब शुरुआत होता है, ये खत्म हो रहा है, इसको आप कहिए क्लोजिंग ऑफ द विंडो, द डाउन द विंडो, या जो भी नाम दे ऑफ द स्क्रीन, मतलब हमने समरी करके आपके सामने रख दिया। इसमें आपके किताब के में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे और लोगों को पता चलेगा इन वेरी स्पेसिफिक मैनर पांडे जी, टिप्स डूज एंड डोंट्स टू प्रिवेंट वन सेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम। आज ही एक बहुत बड़ा इंस्टेंस आरबीआई के जनरल मैनेजर का आया है, डूज एंड डोंट्स, ये सब अगर आप एसिमिलेट कर रहे हैं एक जगह, आपकी किताब भी बढ़िया होगा। और हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है कि हम पहुंचाएं और उनको अवेयर करें, वो पूरा तो नहीं कह सकते पांडे जी, पर 50% हो सकता है सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल, तो जल्दी ही करूंगा। और हम चाहेंगे कि वाकई मैडम इतना लंबे समय तक किसी एक टॉपिक को लेकर के कोई नहीं चला। और हंसता मैडम, मैं हर बार सोचता हूँ, हर बार बात करता हूँ कि 7 बजे से लेके 8 बजे तक प्रोग्राम करना है, लेकिन कोई भी एपिसोड 1 घंटे में खत्म नहीं हुआ। आज भी सोचा था कि जल्दी खत्म करके चला जाऊंगा, लेकिन आज भी नहीं हुआ। और जबकि 2 गेस्ट हमारे नहीं आ पाए, नीलेश कुमार आईपीएस पटना जो एआईजी है, उन्होंने किया कि मेरे को जरूरी काम है, कुछ केसेस पे जाना था, बोले सॉरी यार, एकदम 7 बजे उन्होंने मेरे को मैसेज किया, बोले तैयार बैठा था लेकिन कुछ बात आगे मुझे जाना पड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है। और देवर्ती मैडम नहीं आ पाई है। इसके बाद भी देखिए प्रोग्राम जो है मैडम वो वापस नाउ 8:25, तो ऑलमोस्ट हम 1.25 घंटे को क्रॉस कर रहे हैं, ये ऐसे ही चल रहा है। एक प्रोग्राम तो मैडम हमारा 1.25 घंटे चल गया था, बातें हाँ चली। और तो इन सारे को समराइज करके हमें प्रोग्राम में लाएंगे, कितने सारे आईपीएस, एआईजी रैंकिंग, हमारे साइंस, डॉक्टर्स आए, फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स आए, हमारे पास में लॉयर्स, एमएफए लॉयर्स, से डॉक्टर, डायरेक्टर आए, हमारे पास में मैडम हर्षिता आप आ गई, हमारे पास में एनएलपी ट्रेवन आए, हमारे पास में क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट आए, यानी इतना सारा टीम,
लेकर के बात करें, कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर आए, लॉ प्रोफेसर एचओडीज हमारे पास में आए, मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज, स्टूडेंट्स भी पंडित जी, हाँ यूनिवर्सिटी बीएचयू स्टूडेंट्स बीएचयू से स्टूडेंट्स भी आए थे, कुछ यूनिवर्सिटीज के और भी थे मैम, और रिसेंटली हमारे पास में कुछ मेडिकल कॉलेज के जो एचओडीज हैं ना, डॉक्टर्स हैं, डीन, इवन डीन हैज कम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो ये एक इस प्लेटफॉर्म की एक बड़ी गरिमा बनी है, और उन सारे जगहों को असेंबल करके एक जगह पे लाना रियली इट इज अ वेरी टफ, बट आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो कोशिश करूंगा हाँ कि मैं उसे समराइज कर पाऊं, सम अप कर पाऊं, और एक अच्छी सी बुक जो भी बन पाए मैं पब्लिक के पास में ला पाऊं। उसमें आप लोग के विचार जरूर आने चाहिए। इट्स नॉट मैटर इट इज आर हिंदी और इंग्लिश, डॉक्टर शुभराज खनाल जी आर वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, प्लीज सेंड इट इन इंग्लिश। मैं हिंदी पे हूं तो मैं तो हिंदी पे राइट करूंगा। डॉक्टर मधुलिका जी आप दोनों में है, यू कैन यूज द बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल जी लैंग्वेज इफ यू वांट। सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज दें। और इसी के साथ मुझे आज साइबर क्राइम के जो एपिसोड्स हैं उन्हें समाप्त करने की अनुमति दीजिए मैडम, और नेक्स्ट मैं जल्दी डेट देता हूँ, जैसी मेरी हाँ यहाँ पे थोड़ा सा छत्तीसगढ़ स्टेबल हो जाए इस पॉलिटिकल इशू से, देन मैं एक सेमिनार नए का, साल में रखिए पांडे जी, नए साल में नया गिफ्ट टू द मेरा मेरे सोसाइटी। ख्याल से इट इज इट पॉसिबल, और संडे ही रखना होगा मैं ऐसा सोचता हूँ, हाँ संडे को नए संडे ही साल होगा में ना, रखिए। तो वो 7 तारीख पड़ रही है, लेट मी चेक तो बाकी शेड्यूल देख लेता हूँ मैं, और प्रोबेबली 7 जनवरी को हम ये प्रोग्राम करेंगे एक बड़ा सेमिनार। तो थोड़ा सा मैं और भी बात कर लेता हूँ और देखता हूँ इस प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ से कोई फ्रॉम हेल्थ इसमें होम मिनिस्ट्री वगैरह से कोई अगर आ जाते हैं और हमारे यहाँ की भी कोई डिलीगेट, तो अच्छा होगा क्योंकि नया गवर्नमेंट बनेगा, और हम वो कोशिश करेंगे कि अगर एमपी और राजस्थान में, क्योंकि एमपी भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो आई ट्राई टू फ्रॉम एमपी एल्सो कि अगर उधर से कोई आ जाए तो अच्छा होगा, हम अच्छा प्रोग्राम कर पाएंगे ताकि गवर्नमेंट को दे पाए छत्तीसगढ़। आई एम श्योर कि मैं छत्तीसगढ़ में तो गवर्नमेंट को संदेश दे रहा हूँ, बट वेट कर रहा हूं कि यहाँ पे मिनिस्ट्री किसके पास आती है, ताकि जितना मेहनत डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी आपने इस प्रोग्राम को डिजाइन करने में किया है, तो मैं कोशिश कर पाऊं कि उसका एक फ्रूटफुल निकल के रिजल्ट सामने आ जाए। रियली मैडम, इस प्रोग्राम को जब डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी ने मुझे बोला था ना, तो मैं पहले 2 दिन करूंगा बस, 2 दिन के ऊपर नहीं करने वाला था, बट वो प्रोग्राम करते करते स्टार्टेड फ्रॉम जून, लास्ट वीक ऑफ द जून हमने स्टार्ट किया था, और अभी करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए हैं मैडम। उसके बाद जनवरी के बाद में अब ये सारी बातें जो माइंड की हुई हैं, हमें कहीं ना कहीं अब आना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर सॉरी मैडम हर्षिता जी आप भी इस बात से सहमत होंगी कि सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ रही है, परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो इशू पैसे को लेकर के हो, चाहे रिलेशन को लेकर के हो, चाहे किसी न किसी भी इसका झगड़ा हो, तब ये केसेस आ रहे हैं, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस की प्रॉब्लम हो। तो अब शायद बच्चे आ चुकी है कि नेक्स्ट प्रोग्राम जब हम इस प्लेटफॉर्म पे करें, तो डॉक्टर सान्याल बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और जो मधुलिका जी एक प्रश्न हर्षिता जी के पास छोड़ के जा रही है कि उनको योगा और मेडिटेशन कराने की आवश्यकता है, मगर कैसे, यह भी एक प्रश्न है, क्या वही रूटीन योगा कि आपको केवल पेट पचकाने हैं और पेट फुलाने हैं, क्या वही योगा कराना है तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्या वही मेडिटेशन की कोई बाबा आके बैठ जाए और ओम ओम चिल्लाता रहे उसी से काम होगा ना, कुछ चीजें हम इस प्लेटफॉर्म पे नया भी लाने की कोशिश करेंगे, कुछ स्पिरिचुअल जो रियली इस पे वर्क कर रहे हैं और साइंटिफिकली वर्क कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम इंडिया एज वेल एज द आउट ऑफ इंडिया, फ्रॉम यूएसए एंड यूके एल्सो दे आर वर्किंग विद सम डिवाइसेस, जैसे क्वांटम हीलिंग की बात हो रही है, अगर आप लोग देखा हो दीपक चोपड़ा, डॉक्टर दीपक चोपड़ा इज डूइंग वेरी वेल इन क्वांटम वेद, और मैं कुछ कुछ पढ़ रहा था, तो वी आर एल्सो डूइंग सम प्रोग्राम इन द क्वांटम मेडिसिन विथ वैदिक विज्ञान, वी आर नाउ वी आर गिविंग द नेम इज द क्वांटम वेदा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम फ्रॉम फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू डू एज ए क्वांटम वेदा, जो कि इस पे काफी हेल्प करेगा, और जब हेल्थ की बात आएगी बड़ा तब फिर मैं इंग्लिश में बोल लूंगा यहाँ पे मैं अपना एक आपको जोड़ना चाहूंगी कि एक हमारे यहाँ एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोग आए और उन्होंने जेल में कुछ किताबें दी, कॉपीज दी, और जी कहा कि आप अपने जेल के प्रिजनर्स को राम राम लिखवाइए।
लिख के एज मेनी बुक्स एज पॉसिबल आप हमें दीजिए। तो वो अपने हिसाब से दो कार्टन्स भर के बुक्स दे के गए थे। कोई प्रिजनर राम राम लिखने के लिए तैयार नहीं थे। अल्टीमेटली हम लोगों ने एक ऐसा ही, जैसे आपने नारा दिया उसी तरीके से हमने एक नारा दिया, लिखो राम पाओ इनाम। अब लिखो राम पाओ इनाम में यही था कि अगर आपने 1000 नेम्स लिखे तो हम आपको टूथब्रश और टूथपेस्ट किट देंगे, उनकी डेली यूज की जो छोटी छोटी चीजें हैं, चप्पल दे देंगे, स्लिपर्स, अगर किसी के पास अंडरगार्मेंट्स नहीं है वो दे देंगे। ये चीजों को जब इंसेंटिवाइज किया गया तो आप ये समझिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को इनाम देते देते थक गई, वो लोग अल्टीमेटली चले गए। इतना ज्यादा लिख करके बुक्स वो हमारे पास आ गई। मैं बोला मतलब या तो डर में काम होगा या लालच में काम होगा, तो वहां और डर से ज्यादा लालच अब काम। आप साइबर क्रिमिनल स्पेस को लेके जाइए तो वो नहीं कैसे लिखेंगे राम? वो नहीं आएंगे मैडम। नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे और अपने पास में दो तीन लोग हैं, एक तो डॉक्टर अनिल जो हमारे रायपुर में जो मेरे साथ जुड़े जिनके अंडर पे मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मैडम उनके पास बहुत है, मैं आपको बता दूं जानकारी, आज नहीं है कुछ देर तक साथ में थे। ही इज एक्चुअली एमबीबीएस एमएस है, ऑफ्थेल्मोलॉजी पे किया, बाद में उनको पता नहीं कहाँ से चला उन्होंने वैदिक विज्ञान और चक्र विज्ञान पे पीएचडी की। कुछ मशीनें लाई जिसमें कि हम चक्रों को देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपना ऑरा स्कैन कराया है, गूगल पे यूट्यूब पे उनका अवेलेबल है, अगर हम यूट्यूब पे जाकर टाइप करते हैं नरेंद्र मोदी ऑरा स्कैन, तो दैट डिवाइस हम लोगों ने यहाँ पे लेकर के आया है, उससे हमें बहुत सी चीजें पता चलती है, इवन उस व्यक्ति के प्रॉब्लम एक कहाँ पे है। जैसे भी आप बात कर रहे हैं अगर डिफाइन कर रहे हैं मधुलता मैडम, समझ रही होंगी इस चीज को, ये जो पूरी जगती है कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं लोगों की, और इच्छा को जागृत करता है स्वाधिष्ठान चक्र। जब स्वाधिष्ठान के ऊपर में वर्क किया जाएगा, स्पेशल वर्क करना है स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर में, अगर स्वाधिष्ठान चक्र अलाइन हो जाए, वहां के एनर्जी बैलेंस हो जाए, तो उसे ठीक किया जा सकता है। तो ये पूरी बातें हैं क्वांटम फिजिक्स की। तो सबसे पहले उसको अगर आप ये बोलोगे ना मैडम, कि मेरे को भी बोलोगे क्योंकि आई एम स्टूडेंट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, और आप मेरे को बोलोगे पांडा जी आपको चक्र करना है, आज तक नहीं किया मैडम, नेवर बिलीव डॉन चक्र। लेकिन जैसे मैंने दीपक चोपड़ा को सुना, उन्होंने कहा क्वांटम हीलिंग, तो दिमाग घुमा क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम में गए, तब उसको पढ़ना चालू किया। अब हम अभी लोगों को यहाँ समझा रहे थे, हमारे पास ये बहुत से लोग आए, जब तक हम उनको वैदिक विज्ञान सनातन चक्र ओम ये बोलते तो लोगों को समझ में नहीं आए। सडनली वी चेंज इन द लास्ट मंथ, नहीं हम क्वांटम वेदा की बात करेंगे, तो ना अभी लोग आना चालू किए, व्हाट इज दिस द क्वांटम वेदा यार, तो अभी हमको बता रहे हैं बस। तो मैडम जो बातें हैं केवल उनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, अगर आप उसको माइंड में समझाएंगे देयर इज अ कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड, हमको कोई मतलब नहीं। दे विल नॉट अगर उनको बोलते हो यू हैव अ माइंड, वन इज द हार्डवेयर एंड द सेकंड इज द सॉफ्टवेयर, तो उसको समझ, अच्छा माइंड में सॉफ्टवेयर होता है क्या, हाउ इट वर्क, दैट राइट दैट इज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हाँ कौन कौन सी चीजें हैं, तो हमको कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी चेंज करना होगा, समझना होगा। हमारे कहा से समीर जी जुड़े हैं, वहां से वो आए थे हमारे इस प्रोग्राम में, उस दिन हमने अपने प्रोग्राम का जो रखा था, तो उस प्रोग्राम को उन्होंने अटेंड किया था और एप्रिशिएट भी किया था, तो आगे फोरम में हम बात करेंगे, शायद ये हमारे उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। फिलहाल आप सब यहाँ पे आए और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सबसे आभार भी व्यक्त करता हूँ, अनुमति चाहता हूँ आज के प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए, जल्द ही फिर मिलेंगे और रिक्वेस्ट करूंगा मैडम कुछ ना कुछ थोड़ा सा विचार लिख के जरूर भेजिएगा। हाँ थैंक हाँ थैंक यू, हैव अ गुड यू नाइट, थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू यू मैम, थैंक थैंक यू यू थैंक यू मैडम मधुलिका जी, या थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी थैंक यू सो मच। मैंने तो हर्षिता से बहुत कुछ सुनी क्योंकि मैंने छोड़ दी जेल डिपार्टमेंट इन 1984, यस और तब से जो अभी जो उसने बताया कि वो जो राम राम लिखो तुम उसको तुम्हें इंसेंटिव देंगे, लालच, इतने दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू मी, बट नेचुरली यू नो आई हैव लर्न, लर्निंग इज ऑलवेज देयर Always हर्षिता, there now. इवन एट दिस You एज आई कैन left in ऑल्सो लर्न। 1984 and I joined the force in 1994. हाँ पर एक सो चीज यू और नो कोशिश करेंगे मैडम, जो मैं इस लाइफ आई स्टिल देखिए यहाँ ओ ऑल दैट आई डॉक्टर हैव लर्न टू माय जेल डिपार्टमेंट। जाने के पहले एक और चीज तो जिसको बोलना चाह रहा था कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे और जो हम वर्क करेंगे हम उसे रिलीजन से नहीं जोड़ेंगे, हम यस हाँ रिलीजन से नहीं वेरी जोड़ेंगे ट्रू बिकॉज इट्स अ जेल, एवरीबडी
Sunny, No, no, no. we will talk about the spirituality, not religious. No, no, we वो एक टॉपिक आपने रेज किया तो हाँ, आई रेस जस्ट किया, बट नहीं, मैं आई जो नो हम इट लोग शुड यहाँ नॉट पे, नहीं, हम लोग जो यहाँ भी बातें करते हैं और जिसको बुलाते हैं अपने सेंटर पे भी, या बातें करते हैं किसी को मेडिटेशन कराने की भी बात करते हैं, तो हम उनको ये नहीं कहते कि आपको यहाँ बैठना है, हमारे भगवान राम है या हमारे गुरु, हम कुछ नहीं बोलते। यू कनेक्ट विथ योर गॉड, यू कनेक्ट विद कनेक्ट योर विद द लाइफ फोर्स एनर्जी, यू कनेक्ट विद द सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको जो यस समझ में आता है आप वो करिए, कीजिए बिल्कुल क्योंकि हम अपने आप को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम भारत में हैं और जो भी जेल में देखे गए हैं, ठीक है, उनका अपना था, वो दे केम फ्रॉम द रिलीज फ्रॉम वन रिलीजन, यहाँ पे उन्होंने। जेल में ये है पांडे जी की जेल में उसकी स्कीम जो मैंने आपको इसलिए वो कोट की कि जो अदर रिलीजन के भी थे वो भी राम राम लिख के देके गए कॉपीज भर के दैट बात वाज द थिंग ये नहीं कि तो सिर्फ हम हिंदू आए उसमें नहीं, लालच की बात और हो जाती है तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके वो पर मैंने वो जो लालच दिया वो थोड़ा कुछ देर के लिए था, उनको मिला, उनको गिफ्ट मिल गया, दिन खत्म हो गया, खत्म बट हो क्या गया दोबारा दोबारा नहीं करेंगे वो। पर कुछ ऐसी चीजें करनी होगी, जैसे मधुलिका जी समझ रही हैं, मैडम आप भी, कि हमें करना जी है, अगर उन्हें कुछ चीजें की तो रेगुलर बेसिस पे करें, रेगुलर उनका बेसिस लाइफस्टाइल बने लाइफ स्टाइल को वो उनकी सोच चेंज। बने बिल्कुल, बिल्कुल ये ना हो कि तो वो दिस इज टेम्पररी द कर जो लिया मकसद है हमारे यहाँ का लाइफ कैंपस का, वही मकसद है, और मॉरलिटी की जो आप बात करते हैं मैं वही लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन उसका जो डिजाइन है बदलना होगा। मैं वही कहता हूं कि सास के जेवर बहू को देने होंगे, लेकिन बहू के पसंद के अनुसार उसको परमिशन दो कि आप ज्वेलरी की दुकान में जाओ, अपने हिसाब से फिर से कढ़ा कर ला लो, क्योंकि सास के जेवर उसी स्टाइल में बहू नहीं पहनेगी। सिमिलरली जो वाइन के शौकीन बिल्कुल होते हैं कहते हैं कि पुरानी वाइन हो, बोतल पुरानी हो, मदिरा पुरानी हो, बस लेवल नया होना चाहिए। तो इसी के साथ चलते हैं मैडम, नमस्ते, वरना चर्चा थैंक यू चलती रहेगी नमस्कार बाकी। थैंक यू नमस्कार, वेरी मच नमस्ते नमस्कार। नमस्कार